हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही रियल स्टोरी और सत्य घटना पर आधारित है वो मैं आपको स्टोरी बताने वाली हूँ। बहुत ही मेरा सुन के तो दिल कांप गया। कैसे कैसे लोग होते हैं लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए भगवान ने उन्हें जन्म ही क्यों दिया। इस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा आप लोग ना करिएगा। अगर आप करना भी चाहते हैं तो पहले तो सोच समझ के लड्डू गोपाल को लाइएगा। अगर आप सेवा नहीं कर सकते हैं तो आप उनको किसी और को दे दीजिएगा। ऐसी उनकी दुर्गति दुर्दशा मत बनाइएगा। तो चलिए, वही मैं आज आपको बात बताने वाली हूँ। स्टोरी आप पूरी सुनिएगा तो तभी आपको पता चलेगा उन भक्त ने, भक्त नहीं बोलूँगी मैं उनको, क्योंकि भक्त तो एक वो होता है जो उनकी भगवान की भावनाओं को, लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से करता है, उनको अपने बच्चों की तरह कोई उनको रिश्ता बना करके उनके साथ रखा जाता है। तो देखिए, एक भक्त नहीं है वो। तो देखिए, वो पहले तो सेवा करती थी, उन्होंने सोचा कि ये लड्डू गोपाल हमारे छोटे हैं, हम लड्डू गोपाल को बदल लाते हैं, दूसरा ले आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो वो लड्डू गोपाल को जो छोटे थे उनको लेकर के गई मार्केट, और वो वहाँ पर गई जहाँ पर लड्डू गोपाल न्यू मिलते हैं। उन्होंने बोला, मैं लड्डू गोपाल जो छोटे हैं इनको बेचने के लिए आई हूँ। तो पहले जहाँ बेचने के लिए गई थी उन्होंने उनको बोला भी कि लड्डू गोपाल कभी भी बेचे नहीं जाते हैं, अगर आपसे सेवा नहीं होती है तो किसी को दे सकते हैं। तो वो काफ़ी दुकानों पर गई, जब सबने मना कर दिया वो ले तो आई, दूसरे लड्डू गोपाल उन्होंने ले आई। और जो पहले वाले लड्डू गोपाल थे उन्होंने क्या किया, ऐसे ही थैले में रख करके ले गई थी और ले आई और उन्होंने वहीं रख दिए पास में। तो काफ़ी दिनों तक ऐसे ही रखे रहे, पहले तो मंदिर से बाहर निकाल के रखे उन्होंने, वो पड़े रहे। जब वो मार्केट गई तब उनको लेकर के गई कि इनको बेच दूंगी मैं, दूसरे लड्डू गोपाल ले आऊँगी। तो ऐसा करने के बाद उन्होंने जब वापस लाई मार्केट से, फिर उन्होंने रख दिए कहीं पर। तो उनके घर में छोटे छोटे बच्चे थे तो वो लड्डू गोपाल के साथ खेलते रहते थे, जहाँ मर्जी आए उनको पटक देते थे, उनके हाथ से छूट जाते थे, घेर देते थे, फेंक भी देते थे उनको। तो मैंने अपनी आँखों से तो ऐसा सब कुछ देखती तो मैं पहले ही बोलती, मैंने देखा तो नहीं, पर जो भक्त पास में रहते हैं उनके घर के, उन्होंने बताई मुझे ये सब बातें कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के। मैंने बोला उनको, उनसे बोलना अगर लड्डू गोपाल की उनकी सेवा नहीं होती है तो वो मुझे दे दें, पर होते तब तो देती हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कचरे में ही फेंक दिए फिर वो लास्ट में लड्डू गोपाल, क्योंकि उनकी आँखें निकल चुकी थी, उनका कपिकांड भी टूट चुका था और उनका पैर भी थोड़ा टूट चुका था, तो इसलिए उन्होंने अपने पास रखना नहीं समझा फिर ठीक। उनकी बुद्धि तो देखो, भगवान ने कैसी उनको बुद्धि दी, सब अपना अपना विचार है। तो मैं आगे की बात बताती हूँ आपको। उन्होंने फिर क्या किया, उनके बच्चे खेलते रहते थे, ना उनको सुलाना ना निलाना, लड्डू गोपाल की ऐसी उन्होंने दुर्गति कर दी। तो बेचारे लड्डू गोपाल, ऐसी दशा हो गई उनकी। तो आज उनकी ऐसे हालात हैं अब घर के कि जैसी दुर्गति उन्होंने लड्डू गोपाल के साथ की, अब उनके खुद के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो रहा है। तो इसलिए अगर आपसे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती है, वो लड्डू गोपाल छोटे थे सिर्फ इसलिए उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को बदलने की सोचा। अगर आप लड्डू गोपाल घर में ला रहे हैं तो पहले तो सोच समझ लें, आप उतनी ही सेवा करें जितना आप कर सकते हैं। पहले ज़्यादा करते हो सेवा, उनका आपका मन लगता है, फिर धीरे धीरे आपको बोझ लगने लगता है वो सारी चीज़ें। तो इसलिए ऐसा ना करें। और लड्डू गोपाल आप एक नहीं, चार लाओ, पांच लाओ, लेकिन जो लड्डू गोपाल आपके घर में पहले से हैं आप उनकी सेवा में कोई कमी ना रखें। जैसे जिस प्रकार आप सेवा करते आ रहे हैं उसी प्रकार लाएं। बहुत से भक्तों का सवाल ये होता है कि जब सारे लड्डू गोपाल में एक ही स्वरूप होता है तो लड्डू गोपाल दूसरे क्यों लेकर के आते हैं। मेरे पास आया था ये कमेंट एक भक्त का, उनका बहुत ही अच्छा सवाल था। कभी कभी होता ऐसा है कि हमें कोई गिफ्ट दे देता है तो हमारे इस तरीके से लड्डू गोपाल हमारे पास हो जाते हैं, या हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए, हमें वो प्रतिमा पसंद आ जाती है, लड्डू गोपाल का मनमोहक भावुक रूप अच्छा लगता है तो हम ले आते हैं,
या कोई घर में से और कोई पर्सन जाता है तो वो ले आते हैं। ये कारण हो सकते हैं लड्डू गोपाल को आप लाने के लिए, पर आप जो पहले से लड्डू गोपाल हैं उनकी सेवा उसी प्रकार करें जिस प्रकार आप करते आ रहे हैं। और अगर आपसे सेवा नहीं होती है तो किसी को दे दें, ऐसी उनकी दुर्गति ना करें। ऐसे भक्त पर मुझे बहुत ही गुस्सा आता है लड्डू गोपाल की सेवा इस तरीके से करते हैं। सेवा कहाँ है वो लड्डू गोपाल की। तो भक्तों, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी और लड्डू गोपाल की वीडियो आपके साथ साझा करती रहूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे। जय श्री कृष्णा।